है तो छोड़ दीजिए, हम लोग आज कौ बरी से मरे हैं पानी बिना, आज आप रस्तो बिना मुहार दीजिए, हम लोग इसी तरह रहेंगे क्या? नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय हम कैमूर की पहाड़ियों में कुछ कुछ खोज रहे थे, मगर खोजते खोजते हमें एक स्टोरी मिल गई। ये बुच्चा अमरपुर को जोड़ने वाली एक तरीके से पुलिया थी, जिसको विभाग ने अपने तरीके से, जल संसाधन विभाग और कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग, कि जेसीबी से उसे एक तरीके से ढा दिया। उसके बाद उस पर एक अप्रोच भी जो रास्ता बना था उसे, चूंकि ये नहर है, ये चलती हुई नहर है, और उसे भी तोड़ दिया। अभी लोग आए हैं इसको लेकर के, यहाँ स्थानीय लोग जो है जिज कर रहे हैं जल संसाधन विभाग से। यही बात बताएं कि ये जो पहले तो पुल तोड़ दिला लोग जी, और ओकरे बाद इहर जो रास्ता बाटे तो बाएं से दाएं पूरा रास्ता जात बा जी, तई फिर इमें डाइवर्जन वगैरह दिले रहला। डाइवर्सन यहाँ लोग बनाए थे, अब पानी छोड़े, पानी छोड़ने के बाद रात में जेसीबी वही लोग मंगवा करके रतिया में इसको कोड़वा दिए, गाँव के लोग देखने न पाए। अच्छा, तोड़वा दिए लोग तो गांव का कोई नहीं देखा? नहीं देखा, रात में तोड़वाए लोग, नहर विभाग के लोग रात में तोड़वाए, वही जेसीबी वाला आया तोड़ दिया। अच्छा, हम लोगों को अब 2-3 किलो घूम करके आना जाना पड़ता है, कोई बीमार होता है तो 200 के जगह 400 रुपया भाड़ा लगता है, गाड़ी वाला कहता है भैया बहुत तेल जरेगा, घूमना पड़ता है हम लोगों को, इसके लिए बहुत ज्यादा क्षति हो रहा है, मर रहे हैं हम लोग, दवाई इतना झटका में चाहे कि दवाई। जैसे अब तो विभाग का अफसर लोग आया है ट्रैक्टर लेकर के, माटी लेकर के, क्या कह रहा है वो लोग? विभाग के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का साउंज नहीं है बीमा डलवाने का। हम कहे कि सर आपका तो साउंज है कि 2-4 ठो 10 ठो यहाँ बीमा गिरवा सकते हैं सर, और 2 ठो बीमा आपको नहीं साउंज है तो छोड़ दीजिए, हम लोग आज कौ बरी से मरे हैं पानी बिना, आज आप रस्तो बिना मुहार दीजिए, हम लोग इसी तरह रहेंगे क्या? इसको लेकर के स्थानीय विधायक जी से बातचीत किए आप लोग? नहीं सर, हम लोग विधायक जी से पानी दिया जा सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी जैसे तात्कालिक तौर पर आप क्या करने आए हैं, और स्थायी समाधान की क्या उम्मीद है, क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? कि अभी तो हम नहर के बांध जो टूटा हुआ है उसको बनवाने के लिए आए हैं जी जी, और पुल के लिए हम लोग विभाग को प्रस्ताव भेज चुके हैं। अच्छा, ठीक है, इस्टीमेट के साथ वो प्रस्ताव स्वीकृत होकर ज्यों ही आ जाएगा इसका टेंडर होगा और इसका पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं कि इस नहर में कम से कम तो 5 फीट से पानी लग रहा है, हेलने में दिक्कत है, खेती करने में भी दिक्कत है, हमको जाने खाती का भी 4 किलोमीटर दूर घूम कर करके आना पड़ता है, तब हम भगवानपुर चाहे जयपुर भभुआ जाते हैं। इसीलिए इसी प्रॉब्लम से हम कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ नहर टूटा है आप नहर बनवाइए, मगर हमको 4 फीट का 2 गुटे बीमा इसमें डाल दीजिए, बाईपास हमारा आपको पानी भी चल जाएगा, हमारा भी अपना काम भी आप कर लीजिए। तो जैसे ये नहर जो कह रहे हैं कि आप टूट गया, बुच्चा अमरपुर जोड़ता है, तो कैसे ये ठीक ठाक चलता हुआ पुल था क्या? ठीक ठाक पुल था एकदम ठीक ठाक था, जेसीबी से लोग तोड़वाए 4 दिन में जेसीबी तोड़ा है। अच्छा, ये जो पीछे आपका जो बड़का बड़का पिलर है देख लीजिए सर, ये भी ढलैया की क्या है? अच्छा, ये सर पुल बिगड़ने वाला नहीं था भाई, 10 साल नहीं बिगड़ता पुल। अच्छा, अब इन्हें पुल 10 साल नहीं बिगड़ता, लोग तोड़ दिए, कहे कि हम तुरंत काम लगाएंगे बनवाएंगे, लेकिन लोग तोड़ करके हम लोग को आवागमन बंद कर दिए, आज तक ये पुल नहीं बना, न इसमें काम लगा है, न हम लोगों को जाने आने के लिए बीमा डाला जा रहा है, न हम लोगों को कहना है कि हम लोग मर रहे हैं दवाई कराया बिना और जाने आने बिना, तो हम लोगों को मान लीजिए पुल इतना तत्काल नहीं बनेगा तो इसमें तुरंत बीमा 2-4 ठो चाहे 2 ठो चाहे 4 ठो डाल करके और साइफन बना करके भर दिया जाए, हम लोग जाने आने में कष्ट न हो।